हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास सिक्स यूपी बोर्ड साइंस का चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है ऊर्जा। तो ऊर्जा चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे आज हम आपको। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। कोयले में होती है क्या ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा? क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद गा क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है वायु, पत्थर का कोयला या जल या बायोमास? क्या है? वायु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा, लकड़ी, डीजल या पेट्रोल? क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, उसमें क्या था? अनवीकरणीय, इसमें था अनवीकरणीय, और इसमें क्या है? नवीकरणीय। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित सही कथनों के सामने सही व गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाइए। ठीक है, देखो, का क्या है? किया गया कार्य बल के परिणाम पर निर्भर नहीं करता। गलत। खा है जल ऊर्जा और तथा सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। सही। उसके बाद गा है ध्वनि ऊर्जा नहीं है, ध्वनि ऊर्जा नहीं है। गलत, ऊर्जा है ध्वनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बल के लिए ऊर्जा आवश्यक है। सही। ठीक, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। देखो, कार्य करने के की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, चाबी द्वारा ऐंठी गई कमानी में यांत्रिक ऊर्जा होती है, पावर प्लांट द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, टॉर्च का सेल रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, इसमें क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है? देखो, भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। खा है हमारे पास, कार्य का एम के एस व सी जी एस मात्रक क्या है? देखो, कार्य का एम के एस मात्रक है जूल और सी जी एस मात्रक अर्घ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पटाखे में ध्वनि ऊर्जा होती है, क्योंकि जैसे वो आवाज़ करता है तो ध्वनि निकलती है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? देखो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जब वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह बल लगाने में सक्षम होती है और कार्य कर सकती है, जिस वस्तु में जितनी अधिक ऊर्जा होती है वह उतना ही अधिक कार्य कर सकती है। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, अगला, ईंधन किसे कहते हैं? किन्हीं पांच ईंधनों के नाम लिखिए। देखो, ईंधन वे पदार्थ हैं जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोलियम। ठीक है, ये पांच नाम हो गए ईंधन के, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, गोबर गैस प्लांट का नामांक चित्र बनाइए, इस प्लांट द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखो, चित्र हमने यहाँ बना दिया है, आप ये चित्र बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें लिख लेंगे, गोबर गैस का नामांकित चित्र, गोबर गैस द्वारा उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक, तो हमने ये इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है आपको। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।